हाँ तो शुरू करें छोटा व्लॉग। हाँ पहले पहले इंट्रो तो देख लो यार, जाओ इंट्रो देखो उसके बाद। सामने में जो बंदा है मैं हूँ सामने में। यार गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ वहां से और काफी अच्छा है यार, काफी अच्छी फ्रेश एयर मिली मुझे फिर से। करना क्या यार, एकदम से मौसम पूरा चेंज हो चुका है। सोफिया जू, आपको जू दिखाने के लिए जिया जी ने मेरे को पहले कह था कि यार बाल छोटे करवा के चले जा। अरे प्यारे हैं यार, अरे रही बात बाल की तो सो हे गाइस, मेरा नाम है सूरज एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। ये मेरा छठवां व्लॉग है और आज मेरी छुट्टी है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं अलेक्जेंडर गया था, और इस व्लॉग में मैंने सोचा कि आज मैं कहीं और जाऊं। तो पहले आज का मेरा प्लान है, पहले तो मैं बाल कटवाऊंगा क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला कि तेरे बाल बहुत बड़े हो गए और अच्छे नहीं लग रहे, और लोगों ने भी बोला, इसलिए मैं पहले बाल कटवाऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा जू, यहाँ एक पास में एक जू है सोफिया जू के नाम से, वहाँ देखेंगे फिर कौन कौन से एनिमल्स हैं। पहले मैं खुद देखूंगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा, और वीडियो में बने रहना आगे भी। सो गाइस, बाल मैंने कटवा दिए हैं, टोपी पहन लिए ताकि दिखे ना बाल। बाल मैंने कटवा दिए, मैंने बाल कल कटवाए थे क्योंकि कल मैं रूम पे आया, उसके बाद मैं नहाया और जैसे बाहर आया तो देखा एकदम से मौसम पूरा चेंज हो चुका था, बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए मैं गया नहीं। अगर मैं बाहर जाता भीग जाता फिर तो सही नहीं था ना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कल जू जाने का, इसलिए मैं आज आया हूँ सोफिया जू आपको जू दिखाने के लिए। और मौसम देख सकते हैं बहुत ही सुहाना है आज, और बादल भी नहीं है आज काफी अच्छा। तो यार जब मैंने कल बाल कटवाए तो मैं एकदम से शॉक हो चुका था, क्योंकि इतना जितना मैंने यहाँ पे किया बाल कटवाने के लिए, उतना अगर मैं इंडिया में बाल कटवाऊँ तो मैं कम से कम 15 बार बाल कटवा सकता, इतना मुझे यहाँ पे करना पड़ा एक टाइम के बाल कटवाने के लिए। इसलिए मेरी जिया जी ने मेरे को पहले कह दिया था कि यार बाल छोटे करवा के चले जा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ आके भुगतना पड़ा और पछताना पड़ा। इसलिए आप जब भी आए तो पहले अपने बाल कटवाएं, उसके बाद इंडिया से बाहर आए। तो गाइज मेरे को रोड क्रॉस करनी है, और यहाँ का रोड क्रॉसिंग सिस्टम पता क्या है, मतलब अगर मुझे रोड क्रॉस करनी है तो मुझे यहाँ पे टैप करना है, और उसके बाद ग्रीन लाइट जैसे ही होती है, जैसे ग्रीन लाइट होती है हो गई ग्रीन लाइट और हमें चलना है। ओके, रोड क्रॉसिंग सिस्टम बड़ा सही है यार, यहाँ पे टैप कर दो बंद कर दो, मस्त है ना। तो शायद से मैं पहुंच चुका हूँ। ओके बोलो। फोर लेवन ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यार यहाँ से एंट्री है शायद से। ओके थैंक यू। तो यार ये जू है, ये तो पता नहीं क्या लिख रखा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं की लैंग्वेज है बुल्गेरियन। यार जू तो है लेकिन यार मेरे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो पूरा, ये दिख रहा है ये तुम्हें, ये पूरा इतना बड़ा, ये पूरा इतना बड़ा सिर्फ गिद्ध के लिए, ऑस्ट्रिच के लिए। ये देखो वाह यार, अरे यार ये तो मतलब खुले हैं, इंडिया में तो सारे बंद रहते करे हुए, इधर तो खुले ही है, ये दिख रहा है जूम करके, ये ऑस्ट्रिच है, दो ऑस्ट्रिच है। यार इधर ना आ जाए यार कहीं खाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा दूर। मुझे तो नाम भी नहीं है इनका पता, सो सॉरी, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मेरे को नाम नहीं है पता। अरे उधर कहाँ भाग रहा है ये काला बंदर, मतलब इधर इंडिया की तरह नहीं है कि एक पिंजरे में जानवरों को डाल दो, इतने बड़े बड़े बना रखे हैं और इनके हिसाब से इनको रहने के लिए यहाँ बना रखा है, ताकि इन्हें ऐसा ना लगे कि हम किसी पिंजरे में बंद हैं।
मुझे आसपास शेर की आवाज सुनाई दे रही, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ है वो, क्योंकि इंडिया में तुम्हें पता ही होगा कि क्या मिथ है, शेर की आवाज जहाँ से आती है वहाँ शेर होता नहीं है। इंडिया में ऐसा बोलते हैं, यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, आवाज आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ। तो गाइज यार मैंने यहाँ पे बात की एक बंदे से, मैंने कहा कि यहाँ एनिमल्स क्यों नहीं है ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि अभी विंटर्स स्टार्ट हो चुका है इसलिए यहाँ से काफी सारे एनिमल्स को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह जहाँ थोड़ा गर्म प्लेस हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार ठंड में इतने सारे एनिमल्स तो ऐसे ओपन में रह नहीं सकते, उन्हें भी ठंड लगती होगी। और रही बात बाल की, तो ये बाल है मेरे ऐसे कर दिए काफी छोटे, और अगर ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे या फिर बुरे लग रहे अच्छे लग रहे तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यार इस बार मैंने लाइफ में अपनी पहली बार इतने छोटे बाल करवाए हैं, मैंने आज तक अभी इतने छोटे करवाए नहीं थे बाल, क्योंकि यार मेरा अभी सैलरी आया नहीं है और मुझे थोड़ा मैनेज करके चलना है, और जैसे मेरा सैलरी आएगा उसके बाद मैं एक व्लॉग बनाऊंगा बार्बर का भी। तो सामने ये है डियर मतलब हिरन, एक्सक्यूज मी वेयर इज द लायन, लायन So you go through, yeah, in the middle there is a road between those two. Okay. Yeah, and you go to the right. Okay. But like first you go forward, right? You go to the, yeah, there's like this big building, that's the bears. Okay, okay. So you go through the bears and then you go right. Okay, thank you so much. No problem. तो यार मैंने इस बंदे से पूछा कि कहाँ पे है भाई शेर, तो इसने मुझे बताया मुझे सीधा जाना है वहाँ से राइट जाना, इससे पहले ये देख रहे थे इसका, इसको दिखाता है यार मैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ये देखो यार, यहाँ पूरा ओपन है पता है, ये इससे बाहर आ भी नहीं रहे, ये बाउंड्री इससे बाहर ये आ भी नहीं रहे। कुछ भैंस टाइप का लग रहा है यार कुछ, लेकिन बड़ा खतरनाक है यार कहाँ से, अगर गाइस अगर तुम सामने पे होते तो मैं तुम्हें बताता। और इस तरफ भी कुछ है, कितना प्यारा है, क्यूट है, मुझे इनका नाम खुद नहीं पता, लेकिन मैं जब जिस टाइम वीडियो एडिट करूंगा उस टाइम मैं मेंशन भी करूंगा इनका नाम, ठीक है नीचे नीचे। ये वाले भाई साहब सिंगल है, इनका अपना एक घर है, बेचारे सिंगल है, इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई, यहाँ इनके साथ चिल कर रही है अपने दोस्तों के साथ, और ये यहाँ पे सिंगल है, बेचारा उदास हो रखा है। कैमल यार गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लो कैमरे की क्वालिटी के साथ, क्योंकि जूम करने के बाद वीडियो अच्छी नहीं आ रही, मैं भी मान रहा हूँ, मेरे पे यार कैमरा है नहीं, फोन है, मैं फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो जूम करने के बाद सभी के पास फोन रहता है, जूम करने के बाद सभी को पता ही हो गया जूम करने के बाद कैसी जाती है क्वालिटी, इसलिए आई एम सो सॉरी। हाँ अगर कुछ टाइम बाद अगर मैं कैमरा लूंगा तो उससे मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए इससे एडजस्ट कर लो यार। मिल गया टाइगर, मिल गया टाइगर, मिल गया गाइस, गाइस ये रहा टाइगर, अबे देख ले, अबे देख दूसरी तरफ से जाके देखता हूँ, हल्का सा मुंह दिख जाए क्या पता, मतलब ये देखो दिख रहा है, इधर अंडर ग्राउंड भी है कुछ, अच्छा तो इधर रख रखे हैं, देखो कितने प्यारे सुखी राता, अच्छा तो इनको यहाँ रख रखा है क्योंकि बाहर ठंड है, इनको इधर रख रखा है गाइस, ये देखो कैसे देख रहे हैं खड़े होके, हेलो हेलो, ये है पैंथर दिख रहा है कैसे गोल गोल घूम रहा है,
अपनी लाइफ में पहली बार इतने क्लोज से देख रहा हूँ यार, इतने पास हो यार इसके। इसमें है कुछ येरा येरा सांप। मुझे शेर की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा ये अंडरग्राउंड में रखा है इन्होंने। स्पाइडर चिंचिला क्या खा रहा है ये? एक और है वहां पे बैठ रखा है। ये है स्क्रब पाइथन। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है। और ये है इंडियन पाइथन। इंडियन पाइथन देखो, इंडियन पाइथन ये है। दिस इज द इंडियन पाइथन। बहुत बड़ा यार, बहुत ज्यादा बड़ा। एशियन पाइथन ये तो एक भैंस के बराबर लग रहा है। ये भी पाइथन ही है, व्हाइट कलर का। कितना है? येलो हेडेड वाटर मॉनिटर। कितना लंबा नाम है। मुझे अभी भी शेर की आवाज सुनाई दे रही है आगे। सुनो सुना सुना। खतरनाक की थी यार मेथड। इसको तो ढूंढ रहा था मैं। कितना बड़ा है इतना बड़ा। अगर कसम से फोटो इसमें नहीं लग रहा, फोन में ही दिख रहा इतना बड़ा जितना बड़ा है ये। बाई चांस अगर ये खुल गया, बाई चांस अगर ये खुल गया तो सबका काम तमाम। मेरे को तो मन नहीं कर रहा यार यहाँ से जाने का, इतना खतरनाक खतरनाक एनिमल्स। एक और। ओ वाह यार, व्हाइट टाइगर। क्या ही खतरनाक है यार, क्या ही बताऊं। और ये है यहाँ की फिशेस। इस साइड ये सेक्शन फिश का है। ये है यहाँ की सबसे बड़ी फिश, उसका नाम है रेड टेल कैटफिश और ब्लू पाकू। ये बड़ी, ये बहुत बड़ी है यार। ये होगी कम से कम 10-12 किलो की। डरे तुम भी डरे, तुमको तो क्या ही डर लगेगा, लेकिन मुझे डर लग गया यार। तुम लोगों को तो क्या ही डर लगेगा, लेकिन जो सामने पे जो बंदा है, मैं हूँ सामने पे, मुझे काफी डर लग रहा है। क्योंकि ये कम से कम मेरे तीन मीटर दूर है मुझसे बस। यार अब जाने का टाइम आ चुका है, चलना चाहिए मुझे। हाँ जी, तब क्या नहीं हो, मर गई जंगली मर गई।
तो यार गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ वहाँ से और काफी अच्छा है अंदर. मतलब उन्होंने यहाँ के जो जू है उन्होंने बचा रखा है अपने जानवरों को. जब गर्मियाँ आती तो बाहर निकाल देते हैं, जब सर्दियाँ आती तो वो अंडरग्राउंड डालते हैं. जहाँ से मैं भी बाहर निकला हूँ, स्मेल आ रही थी यार वहाँ थोड़ा सा. जैसे गाँव में भी तुमने देखा होगा जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ स्मेल आती है हल्की फुल्की, तो अंदर स्मेल आ रही थी. मैं फिर बाहर आ गया, काफी अच्छी फ्रेश एयर मिल गई मुझे फिर से. तो अंदर आने का जो मैंने टिकट बताया था उन्होंने 4 लेव बोला था. 4 लेव यहाँ की करेंसी है बुल्गेरियन लेव, तो 4 लेव अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट तो 4 लेव होंगे कम से कम 160-170 रुपए. 160-170 रुपए मतलब मैंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया यार, बहुत ही अच्छा था यार. मतलब हर एक एनिमल मेरे को देखने को मिल गया. और तो यार गाइस टाइम भी काफी हो चुका है, 4 बज गया, मुझे रूम पे जाना है, थोड़ा अपने लिए खाना वाना बनाना है, भूख भी लग गई है. तो यार कहीं कहीं पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं पे यार वीडियो थोड़ा फटी है. मतलब मैंने जहाँ पे जूम किया है ज्यादा पिक्सल थोड़ा क्वालिटी थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि मेरे पे अभी कैमरा है नहीं उतना अच्छा, फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ. और आगे अगर मैं सपोर्ट किया तो कैमरा भी ले लूंगा अच्छा, और उससे काफी अच्छे अच्छे आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा बाद. बाकी तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना. और अभी यहाँ पे पीछे कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है. तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाय.